नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली के अंदर और यहां पर प्रगति मैदान में 1, 2, 3 अगस्त 2019 को एग्रीकल्चर एंड हॉर्टी एक्सपो, साथ ही फूड टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरी ही एक्सपो को देखेंगे और देखेंगे किसान भाइयों के लिए इस एक्सपो के अंदर क्या क्या किया गया है, साथ ही क्या क्या जानकारी यहाँ पर हमको मिल पाती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्सपो का जो उद्घाटन है श्री रामेश्वर जी तेली, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में मिनिस्टर है, उनके द्वारा फीता काट कर किया गया है। तो चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस एक्सपो के अंदर क्या है। यहाँ सबसे पहले मूर्ति रखी गई है हाथी की, तो हम सीधा अंदर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हमें एक मीटिंग चलती हुई दिखाई दे रही है और ये जो मीटिंग है किसान संगोष्ठी, यहाँ पर लिखा गया है किसान संगोष्ठी। और कुर्सियों पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी किसान भाई तो दिखाई नहीं दे रहा है और सारे यहाँ पर हमारे बैठे हैं चौकीदार जी, नमस्कार। और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्सपो के अंदर और क्या है। यहाँ पर किसान संगोष्ठी चल रही है, वक्ता अपने भाषण को दे रहे हैं और सामने एक हॉल है। इस हॉल के अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर किसान भाइयों के लिए क्या है। चलिए, सामने वाले हॉल में हम आ चुके हैं और यहाँ पर ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ रखी हुई है, लौकी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और भी कई सारी सब्जियाँ यहाँ हमें देखने को मिल रही हैं। आगे वाली शॉप पर भी कुछ इसी तरह के फल रखे गए हैं और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस स्टॉल पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ सवेटिया के जो पत्तियाँ है वो रखी गई है। और आगे इस साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ रखी हुई है और यहाँ पर शिमला मिर्च भी आप देख पा रहे होंगे, शिमला मिर्च भी यहाँ रखी गई है, ब्रोकली है, गोभी है, पत्ता गोभी है और इस तरीके की यहाँ पर हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ रखी गई है और इस पता नहीं ये क्या है। और जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है मिट्टी की जाँच की मशीन रखी गई है और इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या इस एक्सपो के अंदर है। चलिए इस साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें हल्दी दिखाई दे रही है, साथ में मिर्च है और पाइनएप्पल की टोकरी पड़ी है। और इस साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या रखा गया है, यहाँ ये दूध वालों का है और ये सहकारी दूध उत्पादक मेरठ वालों की शॉप लगा रखी है। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर मिज़ोरम के कुछ प्रोडक्ट रखे गए हैं, ए प्रोडक्ट ऑफ मिज़ोरम, और ये चाय है, ऑर्गेनिक चाय यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में रखी गई है। साथ में एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी भी यहाँ रखी गई है बताने के लिए, आप देख सकते हैं। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगली जो शॉप है यहाँ पर काजू आपको मिल जाएंगे, बादाम यहाँ पर मिल जाएगी और भी कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस एक्सपो के अंदर क्या है। ये ऑयल वगैरह यहाँ पर बता रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट है ऑयल का। और इस साइड आप देखेंगे तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और ये केले हरे भरे, साथ में एक और वेराइटी केलों की, इसके अलावा यहाँ पर और क्या है, अदरक भी है। और ये असम वालों की शॉप है, यहाँ पर मिर्ची वगैरह रखी है और ये फ्रेश गाइनर, और ये असम वालों की यहाँ पर लगाई हुई स्टॉल है, काफ़ी बड़ी स्टॉल इन्होंने लगाई है। और चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इस एक्सपो के अंदर क्या क्या है। इस वाले हॉल में तो बस इतना ही था, आगे जो हॉल है वहाँ बढ़ते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो सामने वाला हॉल है उसमें कौन कौन सी स्टॉल लगी हुई है। और यहाँ पर सामने हमें हेलो किसान दिखाई दे रहे हैं, हेलो किसान यूट्यूब चैनल से रोबिन जी त्यागी, सब बेकार है, कोई कुछ नहीं है। ये फिर भी हम एक बार इस एक्सपो को पूरी तरीके से घूम के देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या है। यहाँ हाथ से बने हुए कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाथ से बनाए गए हैं, काफ़ी मेहनत इनके अंदर लगती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरे हॉल की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर दूसरे जो हॉल है उसमें क्या है,
हाँ यहाँ पर कुछ पौधे हैं जो निःशुल्क वन विभाग द्वारा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये जो पौधे हैं आपको बिना किसी शुल्क के दिए जा रहे हैं वन विभाग दिल्ली के द्वारा। यहाँ इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है। बाकी इस हॉल में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ एक जानकारी ज़रूर यहाँ पर लिखी हुई है, वो मैं आपको ज़रूर पढ़वाना चाहूँगा, जो भी किसान भाई है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। यहाँ पर बताया गया है कि आप यूरिया असली है या नकली उसकी पहचान कैसे करें। तो यहाँ पर आप परख नली से पहचान कर सकते हैं। और दूसरा वाला इसमें जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा बता रखा है कि 1 ग्राम यूरिया सूखी परख नली में लेकर गर्म करें, अगर दाने पिघल जाते हैं तो यूरिया शुद्ध है और कुछ अवशेष अगर बच जाता है तो वो नकली है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ से हम बाहर की तरफ निकलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, तो उनको हम सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो काफ़ी शानदार डांस आपने यहाँ पर देखा इस एक्सपो के अंदर। आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक्सपो में तो यहाँ पर इंडिया गेट आपको दिखा देता हूँ, दिल्ली का इंडिया गेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका पूरा एक मॉडल तैयार किया गया है, बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ही ऐसा बनाया हुआ है। बाकी तो इस मेले में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया जो कि मैं जानकारी किसान भाइयों के लिए अवेलेबल करवा सकूं। इस मेले के बारे में आपकी जो राय है वो नीचे आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि इस मेले में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मेरे हिसाब से तो इस एक्सपो के अंदर ऐसा कोई विशेष मुझे नहीं लगा है कि जो किसान भाइयों के लिए स्पेशली मैं जानकारी दे पाऊँ। लेकिन फिर भी यदि आपको किसी को भी कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपने कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान, जय हिंद।